एक्शन और इस पर लिया जाता है। आप सभी का फिलहाल शुक्रिया इस पर जुड़ने के लिए और जानकारी देने के लिए। आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे महातूफान की। बात चक्रवात रेमल की, पश्चिम बंगाल के आपको बता दें सुंदरबन और साथ ही साथ दीघा इलाके में इस तूफान का जो डाउनफॉल है उसके बाद तबाही का मंजर देखने को मिला। कई पेड़ टूटकर गिर गए, साथ ही साथ 135 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज आंधी और हवाएं चली, साथ ही साथ बहुत तेज बारिश भी वहां पर देखने को मिली। हालांकि आज खतरा थोड़ा सा टला हुआ नजर आ रहा है और इस सबके बीच राज्यपाल की ओर से दौरा भी किया गया है। चक्रवात रेमल से प्रभावित क्षेत्रों का दौरा राज्यपाल की ओर से किया गया। सीबी आनंद बोस ने हालात का जायजा लिया। राजभवन के रैपिड एक्शन फोर्स मौके पर मौजूद रहा। इस दौरान चक्रवात रेमल से प्रभावित जो इलाके हैं वहां पर राज्यपाल सीबी आनंद की तरफ से जाकर खुद जायजा लिया गया। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जो चक्रवात रेमल प्रभावित इलाकों में पहुंचे, लोगों के साथ भी उन्होंने बातचीत की, लोगों का भी हालचाल जाना। रैपिड एक्शन फोर्स मौके पर राजभवन के इस दौरान राज्यपाल के साथ मौजूद रही। चक्रवात रेमल से कई इलाके ऐसे हैं जो कि बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं। कल डाउनफॉल हुआ इस चक्रवात तूफान का, रेमल का। पश्चिम बंगाल में तूफान का असर इस तरह से कि एक व्यक्ति की मौत भी हो गई है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की ये कह रही हैं कि हालात पर नजर हम बनाए हुए हैं, ये तूफान भी चला जाएगा, उन्होंने कहा। साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से भी कल हाई लेवल मीटिंग इस पर की गई थी और राज्यपाल पश्चिम बंगाल के वो भी आज जो प्रभावित इलाके हैं वहां पर दौरा करने के लिए पहुंचे। सीवी आनंद बोस ने हालात का जायजा लिया ग्राउंड पर खुद जाकर। 6 अलग अलग तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। रेमल तूफान आया, किस तरह से तबाही साथ लाया। समंदर में जो लहरें हैं वो बहुत ज्यादा तेज हो गई थी कल जब इस तूफान ने दस्तक दी। तेज हवाओं के साथ जबरदस्त बारिश हुई, आंधी इतनी तेज थी, हवा इतनी तेज थी कि कई पेड़ टूट कर गिर गए। समंदर के आसपास के पूरे इलाके में अलर्ट जारी किया गया है। लोगों से कहा गया है कि समुद्र के आसपास ना जाएं। लोगों से अपील लगातार ये की जा रही है। कल वो तस्वीरें भी हमने देखी थी जब पूरे इलाके को समुद्र के आसपास जो टूरिस्ट पहुंचे हुए थे उन सबको वहां से हटाया गया था और खतरा अभी टला नहीं है। अलर्ट पर रहने के लिए कहा गया है। लोगों की सुरक्षा के लिए, मदद के लिए एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें ग्राउंड पर मौजूद हैं, तैनात की गई हैं। एनडीआरएफ की तैनाती है। इसके अलावा जो निचले इलाके हैं समुद्र के आसपास के, वहां पर जो लोग रह रहे थे उन्हें पहले ही शिफ्ट किया जा चुका था। करीब 1,00,000 लोगों को शिफ्ट किया गया था रेमल तूफान की दस्तक को देखते हुए। पश्चिम बंगाल तूफान का जबरदस्त असर देखने को मिला। घर की छत टूटने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। कई जगह तेज आंधी की वजह से पेड़ उखड़ गए। लोगों का जनजीवन रेमल ने अस्त व्यस्त कर दिया। हालांकि कल के मुकाबले आज परिस्थितियां बेहतर हैं, लेकिन आज को लेकर भी अलर्ट है। पश्चिम बंगाल में रेमल तूफान की दस्तक हो चुकी है। खासतौर पर सुंदरबन के आसपास का इलाका सबसे ज्यादा प्रभावित है। रैनिक इस पर मेरे साथ जुड़ गए हैं सीधा, उनके पास अब आपको ले चलते हैं। रैनिक, फिलहाल अपडेट क्या है, असर कितना अभी आज नजर आ रहा है? सुबह की तस्वीरें हमने देखी थी आपके जरिए, सामान्य लग रहा था सब कुछ, अभी खतरा टल गया है या फिर अलर्ट रहना है लोगों को वहां? एकदम नहीं, खतरा अभी तक नहीं टला है। जैसे कि आईएमडी की तरफ से कहा जा रहा है आज दिन भर ये रेमल का जो आफ्टर इफेक्ट, वो आफ्टर इफेक्ट चलता रहेगा, क्योंकि रेमल का जो रेडियस था, ये साइक्लोन का जो रेडियस था वो करीब 400 किलोमीटर के तक फैला हुआ है और रेमल का जो इफेक्ट वो आज शाम तक दिखने को मिलेगा। और जैसे कि कोलकाता और साउथ 24 परगना में सबसे ज्यादा इम्पैक्ट पड़ा है ये रेमल का, और जैसे कि खबर आ रहा है कि ये रेमल का इफेक्ट में 2 मौत हो चुका है अभी तक। जैसे कि गवर्नमेंट की तरफ से कंफर्म किया जा रहा है कि कोलकाता में दीवार टूटने की वजह से एक आदमी का मौत हो चुका है और उसके साथ साथ ही मौसुनी आइलैंड, साउथ 24 परगना का जो मौसुनी आइलैंड, उस मौसुनी आइलैंड में भी पेड़ टूटने की वजह से एक महिला का मौत हो चुका है, ऐसा गवर्नमेंट की तरफ से कंफर्म किया जा रहा है। और उसके साथ साथ ही गवर्नमेंट ये भी देख रहा है कि जिस जिस जगह में सबसे ज्यादा इंपैक्ट पड़ा है उस जगह में
जल्द से जल्द रिस्टोरेशन किया जाए। कोलकाता में अभी भी वाटर लॉगिंग है, कोलकाता में बहुत सारे रस्ते में अभी पानी जमा हुआ है। मेट्रो मेट्रो का जो परिसेवा वो परिसेवा बंद कर दिया गया है क्योंकि मेट्रो के अंदर भी पानी जमा हुआ है। और उसके साथ साथ ही साउथ सेक्शन, सियालदह साउथ सेक्शन का हर एक ट्रेन को रोक दिया गया है, ट्रेन कैंसिल कर दिया गया है क्योंकि साउथ सेक्शन में पेड़ गिरा है और उसके साथ तार भी टूट चुका है और इस वजह से सियालदह साउथ सेक्शन का ट्रेन को भी बंद कर दिया गया है। यानी रेमल का जो इफेक्ट वो आज दिन भर दिखने को मिलेगा। आप देख ही सकते हैं कि अभी भी बारिश चल रहा है और दीघा में अभी भी बारिश चल रहा है और दीघा का हर एक जगह में पानी का जो लहर, वो पानी का लहर इतना फैल चुका है कि जो गांव है, जो जमीन है, उस जमीन में समुद्र का पानी घुस गया है, ऐसा ही खबर आ रहा है। और उसके साथ साथ ही मैं आपको एक सबसे महत्वपूर्ण चीज थी, ये पूरा घटना को देखते हुए प्रशासन की तरफ से अभी सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि रिस्टोरेशन का जो प्रोसेस, वो रिस्टोरेशन का प्रोसेस जल्द से जल्द चालू किया जाए क्योंकि बहुत सारे जगह में देशों के ऊपर पेड़ गिरने का खबर आ रहा है। अभी तक लगभग जो पेड़ गिरा है वो पेड़ को हटाने का कोशिश किया जा रहा है, जो रोड ब्लॉकेज है वो रोड को भी सही करने का कोशिश किया जा रहा है और जो रेल मेट्रो का जो परिसेवा, वो परिसेवा को भी चालू करने का कोशिश प्रशासन की तरफ से किया जा रहा है।